मैथमेटिक्स नंबर नाइन कॉनिक और आज का हमारा टॉपिक है पहले हम सर्कल देख रहे हैं तो उसमें है हमारे पास फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल देश सेंटर इज अ पॉइंट एच के एंड रेडियस आर अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो सर्कल होगा वो हमारे पास क्या होगा ये जो हमने शेडेड कर लिया है सेट ऑफ ऑल पॉइंट लाइंग इन अ प्लेन विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल अब हमने क्योंकि इसकी क्वेश्चन ऑफ सर्कल बनानी है तो हमारे पास दो पॉइंट्स हम लेंगे दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, एक सी और एक बी तो लेट हमारे पास हमने कर लिया कि हमारे पास जो पी पॉइंट है उसके कॉर्डिनेट्स एक्स वाई है ये हमारे पास एनी पॉइंट है ऑन द सर्कल ऑन द सर्कल हैविंग जो हमारे पास रेडियस है हैविंग सेंटर एच एंड के तो जो दो पॉइंट्स हैं एक सी और एक पी इनमें से हमने दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है तो फार्मूला क्या लगेगा हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला x माइनस एच होल स्केयर और y माइनस के होल्स केयर होल का स्केयर रूट। डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या पढ़ा था कि x2 टू माइनस एक्स वन होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्केयर होल का स्केर रूट इस तरह से दो पॉइंट्स हैं हमारे पास इन दोनों पे हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लिया है अब C से P हमारे पास क्या दिया हुआ है रेडियस है तो इसकी वैल्यू हमारे पास R है और साथ ही हमने इसकी क्या कर ली है स्केयरिंग बो साइड जब स्केयर साइड करेंगे तो हमारे पास ये स्केयर रूट कैंसिल होगा तो ये आएगा एक्स माइनस एच होल स्केयर और वाई माइनस के होल स्केयर इस तरह से हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल वो बन गई है हमारे पास x माइनस एच होल स्केयर और y माइनस के होल स्केयर इक्वल्स टू आर्ट स्केयर सेकेंड थियोरम में हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हु सेंटर्स एट द ओरिजिन एंड द रेडियस इक्वल्स टू आर तो अब हमारे पास जो ओरिजिन है वो origin, हमारे पास सेंटर है वो ओरिजिन पे है और एनी पॉइंट पी है वो से पी तक जो डिस्टेंस है वो हमने आर लिया हुआ है तो यही हम इसके प्रूफ में राइट करेंगे हमारे पास कि लेट पी एक्स वाई पॉइंट ऑन दर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजन जब ओरिजन होगा तो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे जीरो एंड जो रेडियस है हमारे पास वो हमारे पास आर है अब फार्मूला हमने ओ से पी दो तो पॉइंट पे डिस्टेंस लेनी है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे एक्स को एक्स में से माइनस करेंगे तो फर्स्ट एक्स और सेकेंड कोऑर्डिनेट ज़ीरो है सिमिलरली यहाँ से सेकेंड हमारे पास वाई और इधर क्या है जीरो तो क्या आएगा वाई माइनस जीरो हो का स्केयर और स्केयर रूट इस तरह से जो ओ से पी है हमारे पास वो हमने किसके इक्वल लिया हुआ था हमने आर के तो यहाँ पे जो तो वैल्यू आई हमारे पास एक्स स्केयर और वाई स्केयर और स्केय अब हम क्या करेंगे इसमें स्केयरिंग करेंगे बो साइड्स तो यहाँ पे आएगा हमारे पास आर स्केयर और ये स्केयर रूट क्या होगा कैंसिल तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर टू तो आर स्केयर तो रीराइट कर लेते हैं ये हमारे पास कौन सी क्वेश्चन बनी है कि ये हमारे पास अ सर्कल है स्टैंडर्ड क्वेश्चन एट ओरिजन पे है जिसके कोऑर्डिनेट जीरो जीरो है हमारे पास है पैरामीटर क्वेश्चन ऑफ अ सर्कल तो क्वेश्चन हमारे पास है पॉइंट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल तो उसके लिए सेम हमने इसी फॉर्म में पहले जो हल करना है वो सेम टू सेम एस इट इज के हमारे पास एक सर्कल है सेंटर उसका हमने ओरिजिन लिया हुआ है और दो कंपोनेंट्स हैं एक ओरिजेंटल और एक वर्टिकल है हमारे पास तो अब हमने लेट्स पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन सर्कल फिर हमने ड्रॉ किया प्रोपेंडिकुलर इसको नेम दे लिया पी एम प्रोपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स अब इसकी जो वैल्यूज हम ले रहे हैं इसमें हमारे पास जो ओ से एम है वो हमने नेम दे दिया एक्स का और एम से जो पी वैल्यू है उसको नाम हमने दे दिया वाई का और ओ से जो पी है वो हमने नाम क्या दे दिया इसको आर तो फिर हमारे पास जो ट्रायंगल बनी ट्रायंगल ओ एम और पी वो हमारे पास हमने अगर कॉस लेते हैं तो cos हमारे पास होगा बेस ओवर एपोटीनियस तो बेस हमारे पास है ओ से एम और हाईपोटीनियस है हमारे पास ओ से पी तो ओ एम की वैल्यू हमारे पास एक्स है और यहाँ पे दूसरी तो वैल्यू जो हाइपोटीनियस की है हमारे पास वो आ रही है आर तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्स की वो आएगी आर कॉस थीटा सिमिलरली जब हम इसी ट्राइंगल में साइन थीटा लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइप्रोटीन्यूस तो पी एम ओवर ओ और पी तो पी एम जो है हमारे पास वो आई के इक्वल है ओ पी हमारे पास आर है इस तरह से जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वाई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास आर साइन थीटा तो इस तरह से ये जो एक्स और वाई आ रहा है हमारे पास आर ये हमारे पास पैरामीट्रिक क्वेशन ऑफ अ सर्कल है जो हमें एम सी यूज भी आ सकती है इस परेशन ऑफ सर्कल ये जो एक्स केयर वाई स्केयर प्लस टू एक्स वाई, वाई प्लस सी रिप्रेजेंट सर्कल तो कॉन्स्टेंट हमने इसको प्रूव करना है ये आ सकता है ये पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये जो जनरल क्वेश्चन सर्कल है ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है सर्कल को तो अब हमने इसमें से देखना ये है कि इसमें एक्स केयर वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई एफ़ वाई प्लस सी इक्व टू ज़ीरो है हमने इसको ये देख रहे हैं कि के एक्स केयर प्लस टू जी एक्स और इसमें प्लस वाई स्केयर और टू एफ़ वाई और साथ में माइनस सी को ले गया अब इसमें से देखें हमारे पास जो एक्स के कोफिशेंट है हमने कंप्लीट ही स्केर करना है तो यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है टू पे डिवाइड करेंगे टू जी को टू टू कैंसिल होगा तो क्या बच गया जी जो चीज़ बची है उसका हमने स्केयर ऐड करना होता है तो जी स्केर हाँ जी फर्स्ट में भी ऐड करेंगे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी इस तरह जो एफ वाई वाली टर्म है उसका कोफिशेंट क्या बन रहा है हमारे पास टू एफ बन रहा है वाई वाला कोफिशेंट्स उसको भी दो पे डिवाइड करेंगे जो आंसर बचेगा उसी का स्केयर हमने ऐड करना है तो डेट्स वाई इसमें हम क्या ऐड करेंगे एफ स्केयर और बो साइड पे एफ स्केयर ऐड करेंगे तो अब ये जो वैल्यू तो बन गई है हमारे पास ये किसका हमारे पास स्केयर बन रहा है एक्स प्लस जी का होल का स्केयर और जो सेकेंड वैल्यू बन रही है वो बन रही है वाई प्लस एफ का होल का स्केयर इस तरह से जी स्केयर एफ़ स्केयर और माइनस के सी हमें भी लिख सकते हैं ये प्लस है तो इसको दो बार मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस जी और ये होल का स्केयर सिमिलरली वाई और फिर माइनस माइनस एफ होल का स्केयर ये किसकी इक्वल आएगा जी स्केयर एफ स्केयर माइनस सी स्केयर रूट और होल का स्केयर अब जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या होती है एक्स माइनस एच होल स्केयर और y माइनस के होल स्केयर इक्वल्स टू आर स्केयर अब देखें इनको अगर कंपैरिजन करें हम इसको फ्रॉम वन और टू से तो यहाँ पे क्या आ रहा है h और यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस एच तो सिमिलरली हमारे पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं पहले एच है थे अब क्या आ रहे हैं वो माइनस के जी सिमिलरली अब क्या आ रहे हैं इसमें से के और यहाँ पे क्या आ रहे हैं माइनस से एफ है। सेंटर के कोर्डिनेट्स हमने माइनस एफ और यहाँ पे जब कंपैरिजन करेंगे इसका राइट हैंड साइड का तो हमारे पास क्या आ रहा है हमारे पास रेडियस आ रहा है तो आर की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आएगी जी स्केयर एफ स्केयर माइनस सी डेट्स वाई तो ये जो इक्वेशन वन है ये हमारे पास इस फॉर्म में क्या आ गया रेडियस so that's why equation 1 represents equation of a circle